आगे का दोस्तों जो लुक है ना इस घर का, वो काफी ज्यादा शानदार है भाई। एकदम लग्जरी प्रीमियम वाला लुक आएगा जब फिनिशिंग होगा इसका काम तो। और हाँ, यहाँ पर मैं एक फोटो ऐड कर दूंगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक भी रुपए इसमें मैंने अपने घर से नहीं लिया है। घर का मतलब ये हुआ ना पापा से, ना मम्मी से, ना दादा से, ना दादी से, ना कोई रिश्तेदारों से, किसी से भी नहीं, पूरा खुद के ऊपर। और हाँ, ऑनलाइन आप बहुत ही पैसा बना सकते हो, कोई नौकरी में आप उतना अर्न नहीं कर सकते हो, मैं ये बता दे रहा हूँ। अभी के टाइम में मैं जितना अर्न करता हूँ उसमें दोस्तों सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, जो कि महीने का 3,000 से 4,000 डॉलर बना रहे फेसबुक से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और YT ज्ञान के एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि ये सारा जो भी अचीवमेंट मैंने किया है वो सारा ऑनलाइन की इनकम से है। और अभी आपको मेरे पीछे जो दिख रहा होगा, पूरा आपने सही अनुमान लगाया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं अपने खुद के पैसे से बनवा रहा हूँ, हो रहा है खुद के पैसे से। पूरा ऑनलाइन इनकम है, YouTube का इनकम है, Facebook का इनकम है, वेबसाइट का इनकम है, बहुत सारी चीजों का, जो भी मैं ऑनलाइन जो भी मैं पैसे अर्न करता हूँ उसके इनकम से ये अपना इतना बड़ा घर बन रहा है। और कमाल की बात ये है कि इसके अंदर घर ही नहीं, अपना स्टूडियो भी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सोच के रखा हूँ कि कैसे क्या करवाना है, कैसे कस्टमाइज कराना है। तो सारा चीज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से काफी सारे लोग को मोटिवेशन जरूर मिलेगा, जो लोग भी ऑनलाइन काम करते हो, जो भी ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हो, उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जो मैं आज चीज दिखाने वाला हूं ना, ये चीज आप लोग भी अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब आपका भाई कर सकता है इस एज में, तो यार आप लोग भी कर सकते हो। और मेरी अगर एज की बात करें तो अभी उतना कुछ मेरा एज नहीं है, अभी 18-19 साल का मेरा एज है, और अभी मैं स्टडी भी कर रहा हूं, साथ में ऑनलाइन इनकम भी कर रहा हूं, और ऑनलाइन इनकम से मैं ये सारी चीजें अचीव भी कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको अपना होम टूर देते हैं। और अभी देख सकते हो काम अभी पेंडिंग में, तो मैं सोचा चलिए आज छुट्टी है ही, काम बंद है, नहीं तो ठुक ठाक का आवाज आते रहते हैं, तो सोचा चलो आपको आज एक मोटिवेशन टाइप का वीडियो देते हैं, ठीक है। और अभी आप लोग देख सकते हो उतना सारा काम, अभी आधा काम समझ लो हो गया है, जो भी बिल्डिंग खड़ा होता है आधा काम हो चुका है, और 2 दिन से काम बंद है क्योंकि कल है रक्षाबंधन। और सबसे पहले आप में से जो भी लोग, जो भी YT ज्ञान ये फैमिली है, उन सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब आपको अपना होम टूर देते हैं, अपना स्टूडियो दिखाते हैं कि कहां हमारा स्टूडियो बनेगा, कौन सा मेरा बेडरूम होगा, और हो सके तो कुछ पिक्स वगैरह भी मैं ऐड कर दूंगा जिस टाइप का मैं कस्टमाइज करवाने वाला हूं, तो काफी तगड़ा मजा आएगा आपको भी। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, और हाँ, बीच बीच में हो सके तो मैं इस टाइप के व्लॉग वगैरह लाते रहूंगा इस चैनल पे, क्योंकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, जो भी आप लोग काम करते हो, तो थोड़ा काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जब ग्रो नहीं करते हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिएटर है, यूट्यूब कर रहे हैं, अगर यूट्यूब पे व्यूज नहीं आता है, 5-6 वीडियोस को अपलोड करते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहा है, तो हो सके तो मैं ऐसा वीडियो देता रहूंगा ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेशन मिले, आप भी ये सारी चीजें अचीवमेंट्स मेरे देख पाओ, और उसके प्रति आपको काम करने का मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये अपना एक बड़ा सा बेडरूम है, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला हमारा ये जो बेडरूम है, देख सकते हो कितना बड़ा है, आप लोग देख सकते हो भाई। और हो सके कैमरे में अगर आपको उतना बड़ा ना दिख रहा हो तो मैं ऐसे अपना हाथ करके दिखा देता हूँ, देखो एक हाथ ऐसे, दूसरा ऐसे, भाई बहुत बड़ा बेडरूम है ये वाला, बहुत बड़ा। और हो सके तो इसमें हम अपना बेडरूम इसको बना सकते हैं, नहीं तो अभी देखो मैं ना सारी रूम को बहुत ही अच्छे से देख देख बनवा रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो और अच्छा हमारा घर बने, उसमें स्टूडियो भी हो जाए, हम शूट भी अच्छे से कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला ये रूम आता है, और यहाँ पे एक बड़ा सा खिड़की है, यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आती है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो इस चैनल पे हमारे गेस्ट जो भी आते हैं, जो भी फेसबुक से पैसे अर्न करते हैं, जो भी ऑनलाइन अर्न करते हैं, उनको हम लेकर आते हैं अपने चैनल पे, और आपको सिखाते हैं कि आप लोग भी कैसे कर सकते हो, उनके जो भी स्ट्रेटजीज होते हैं, जो भी उनके सीक्रेट्स होते हैं जिससे वो अर्न कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इस चैनल पर हम लोग रिवील करते हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल के अलावा अगर आपको व्लॉग देखना है तो आप हमारा YT ज्ञान व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर मेरी अभी रिसेंटली में फेसबुक की पेमेंट आई थी, तो उसका व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया वहां पे, तो आप लोग वो व्लॉग जरूर से चेकआउट करना। जो भी मेरा फेसबुक का इनकम होता है, या फिर यूट्यूब का इनकम, या फिर इनकम से मैं जो भी चीजें लेता हूं, जैसे कि बाइक मैंने लिया था तो उसका व्लॉग भी मैंने बनाया था, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस चैनल से भी आपको मोटिवेशन ही मिलेगा, व्लॉग देखकर आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे जैसे ये घर बनेगा, जैसे जैसे इसमें काम होगा, तो इस चैनल पे तो अब मैं वीडियो लाऊंगा नहीं,
नहीं वैसा व्लॉग टाइप का, क्योंकि यार आप समझ सकते हो इस चैनल का थीम ही थोड़ा अलग है। तो वो सारी चीजें मैं व्लॉग पे बताऊंगा, जैसे जैसे ये मेरा घर तैयार होगा या फिर जो भी मेरा पेमेंट आता है या फिर जो भी चीजें मैं लेता हूँ तो वो सारे मैं व्लॉग्स उस पर अपलोड करूंगा। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा चैनल का लिंक, जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पहला बेडरूम आपने देख लिया, अब आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं किचन। किचन इस घर का काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि ये वाला एरिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एरिया पूरा किचन है, और यहाँ पर हमने एक बड़ा सा खिड़की लगवा दिया है ताकि जो भी गैस वगैरह होगा वो अच्छे से पास हो जाएगा। बाकी यहाँ पे चिमनी वगैरह तो रहेगा ही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अभी ये इतना पार्टीशन जुड़ेगा, यहाँ से इतना ऊंचा दीवार आएगा, इसके बाद ये मॉडर्न वाला जो जाली लगता है आज के टाइम में, हाँ मॉडलर किचन पूरा हम इसको बनाने वाले हैं। काफी ज्यादा सुंदर किचन बनेगा, बहुत सारी चीजें हमने देख के रखी हैं। और ये है हमारा सीढ़ी जो कि ये जाएगा सीधा सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। अब आइए आपको ले चलते हैं थोड़ा स्टूडियो और मेरा जो बेडरूम रहेगा उसके तरफ। बाकी इधर आप लोग देख सकते हो ये है हॉल एरिया, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग एरिया है और वो भी हॉली एरिया है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह रहेगा, और ये रहेगा ड्राइंग रूम है समझ लो आप। यहाँ पर हम सोफा वोफा मस्त लगा देंगे, काफ़ी सारे अब लोग भी आते रहते हैं हमारे घर पे तो उनको ला करके यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी वगैरह लगवा देंगे, जो लोग भी गेस्ट आएंगे तो वो लोग वॉच करेंगे कुछ भी। तो ये ड्राइंग एरिया है, इधर रहेगा डाइनिंग टेबल, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हो गया ये डाइनिंग एरिया, ठीक है, और उधर किचन तो हो ही गया। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये है दोस्तों टॉयलेट, देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा है, ये भी अंदर तक है और छोटा नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका गेट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आइए अब दिखाते हैं आपको ये वाला रूम, ये वाला रूम जो आप देख रहे हो अभी दोस्तों थोड़ा इसमें पानी लगा हुआ है। तो ये रूम का साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज में है ये, और इसमें हो सकता है कि हम अपना एक प्रॉपर एक स्टूडियो बनवाए कि सीधा इसमें घुसेंगे, यहाँ पर कैमरा लाइट वगैरह सब कुछ सेट रहेगा, बस आना है स्विच ऑन करना है और बैठ जाना है वीडियो शूट करने। तो देखते हैं, बट ऐसा ही रहेगा, एक रूम पूरा रहेगा हमारा स्टूडियो, जिसमें मैं जो भी चारों दीवार है वो अलग अलग थीम में कस्टमाइज होगा, ठीक है, अलग अलग चीजें रहेंगी ताकि आपको अलग अलग बैकग्राउंड देखने को मिले तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। बाकी उसके बाद ये आ जाता है एक अपना बेडरूम, और इसके आगे बालकनी भी है। आगे का दोस्तों जो लुक है ना इस घर का वो काफी ज्यादा शानदार है भाई, एकदम लग्जरी प्रीमियम वाला लुक आएगा जब फिनिशिंग होगा इसका काम तो। और हाँ, यहाँ पर मैं एक फोटो ऐड कर दूंगा, इस घर का जो लुक होगा फ्रंट वाला सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर जो आपको ये 3D डिजाइन दिख रहा होगा ना, जो ये पिलर गए हुए हैं, इसमें मैंने छत में भी दिलवा रखा है, इसमें फोटो में तो ये नहीं है बट वो जो 3D मॉडल है वो छत में भी रहेगा, तो उससे घर का जो लुक है और काफी ज्यादा एनहेंस होगा और मजा आएगा, लग्जरी लगेगा। और इस एरिया में भाई अभी वैसा घर नहीं है देखा जाए तो, 3D मॉडल में घर नहीं बना है, घर है अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, बट इस एरिया में आइए मैं दिखाता भी हूँ आपको। ये अपना हो गया बालकनी एरिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग अगर वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो इधर आके चिल भी मार सकते हैं या फिर मूड फ्रेश कर सकते हैं। और ये अभी मैं गांव में रहता हूं तो ये चारों तरफ का ये व्यू देख लो एक बार, इधर देखो झोपड़ियां वगैरह हैं, तो काफ़ी बढ़िया घर बनेगा अपना। और यहाँ का ये बालकनी हो गया, कल यहाँ पर छज्जा वज्जा का ढलाई हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपने घर का एरिया भी रिवील कर देता हूँ, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिर एरिया कितना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पूरा जमीन है वो 3000 एरिया में, 3000 स्क्वायर फीट, ठीक है, और जिसमें से आधे में हमारा ये पूरा घर बन रहा है। आइए इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और आधा जो ज़मीन है ना उसमें हम थोड़ा खेती वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी सब्जियां वगैरह लगा देते हैं, जो कि ये रहा पीछे का हिस्सा है आप देख सकते हो, ये जो भी आपको बाउंड्री दिख रहा है ये अपना है, और ये मक्का वक्का लगा रखा है हमने, इधर लौकी वगैरह लगा है और पपीता वगैरह लगा रखा है, तो काफ़ी सही है, हमने सब्जियाँ भी लगा रखी है आधी ज़मीन में, और आधी ज़मीन में अपना ये महल खड़ा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक भी रुपये इसमें मैंने अपने घर से नहीं लिया है, घर का मतलब ये हुआ ना पापा से, ना मम्मी से, ना दादा से, ना दादी से, ना कोई रिश्तेदारों से, किसी से भी नहीं, पूरा खुद के ऊपर, जो भी मैं खुद की अर्निंग करता हूँ, जो भी YouTube का अर्निंग होता है, जो भी स्पॉन्सरशिप का अर्निंग है, उसी सब का पैसा इसमें लग रहा है, ठीक है। तो एक भी रुपया मैंने कहीं से नहीं लिया, ना ही किसी से उधार, सबका जो भी सामान मैंने लिया है सबका उधार, बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा नगद हमने लिया है भाई, ठीक है। तो ये है दोस्तों YouTube का पावर, आप लोग देख सकते हो जो भी सोशल मीडिया पे आप काम करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आप अगर YouTube कर रहे हो तो YouTube में लग जाओ, ठीक है, आप जो भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, Facebook पे अगर काम कर रहे हो तो यार Facebook पे बहुत ज़्यादा पैसा है, काफ़ी सारे लोग ऐसे गेस्ट आने वाले हमारे चैनल पर जो कि महीने का $3,000 से $4,000 बना रहे Facebook से, तो आप लोग समझ सकते हो कि हर एक चीज़ में पैसा है, बस आपको डेडिकेशन के साथ और लगे रहना है, मेहनत करना है, तभी आप ये सारे नंबर अचीव कर पाओगे।
बाकी यही था अपना घर, और घर जैसे जैसे तैयार होगा मैं अपने व्लॉग वाले चैनल पे अपलोड करते रहूँगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, घर बनने के बाद अभी मेरा और भी बहुत चीज़ों का टारगेट है जो कि मैं बहुत जल्द उसको अचीव भी करूँगा। और आपको थोड़ा एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर सपने देखते हो, कुछ भी अगर आपके ड्रीम्स है, तो आप क्या करो ना कि आप उसका वॉलपेपर पे फ़ोटो लगा लो और उसको डेली देखो। मैं ये घर का फोटो आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो अभी भी मेरे वॉलपेपर पे है। मैं इसको ना 6-7 महीने पहले लगा दिया था, जब घर का वो आया था ना कि घर बनवाना यार, तो फिर मैं सोचा ना कि यार घर बनवाना है, ठीक है, तो बहुत सोचता था कैसे मेहनत करना है, कैसे क्या करना है। तो घर का जो मैंने डिज़ाइन वगैरह देखा था, जैसा हमारे ये ज़मीन है रोड पे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने घर का जो भी डिज़ाइन है वो देखना शुरू किया, और मुझे काफ़ी डिज़ाइन पसंद आया, और उसके बाद मैंने इसको वॉलपेपर पे लगाया था, ठीक है, और तभी से मेरे वॉलपेपर पे हटा नहीं है। और जब भी मैं अपने फ़ोन को ऑन करता हूँ, जब भी इसको देखता हूँ, तो अंदर से एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आता है कि कब ये घर बन के तैयार होगा। और हाँ, इसे मैनिफेस्ट कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जो आप देखते हो उसके प्रति आपको काफ़ी मतलब चुल मचती है कि यार ये चीज़ कब कम्प्लीट होगा। तो फ़ोन तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, जब मैं इसको ऑन करता हूँ तब मेरा नज़र इस पर जाता है, और इससे पहले मैं बाइक की फ़ोटो लगाया करता था, ठीक है, जो कि नीचे खड़ी है बाइक, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यही है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो तो उसके प्रति सोचो, उसको देखो डेली, तो अपने आप सारी चीज़ें होने लगती हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिला होगा, जो भी ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब कर रहे हो, जो भी फेसबुक से पैसे बना रहे हो, जो भी इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, तो यार मेहनत करते रहो। हर एक फील्ड में पैसा ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में पैसा नहीं है, और हाँ, ऑनलाइन आप बहुत ही पैसा बना सकते हो, कोई नौकरी में आप उतना अर्न नहीं कर सकते हो, मैं ये बता दे रहा हूँ। अभी के टाइम में मैं जितना अर्न करता हूँ उसमें दोस्तों सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ। कभी मैं अपना इनकम भी रिवील कर दूंगा, लाइव आपको दिखा दूंगा YT स्टूडियो का अर्निंग, ठीक है, और स्पॉन्सरशिप भी उसमें है, तो बहुत ही पैसा है भाई ऑनलाइन फील्ड में, बस आपको काम करना है, चीज़ें ग्रो करनी है, फिर उसके बाद पैसा भरपूर आएगा। बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करके जाना, और व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।